सिंप्लीफाई, तो हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इसमें हम इस 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, इन दोनों जगह पे चेंज कर देते हैं। 3 × 3 to the power cube मल टू द पावर एन प्लस 1 प्लस 9 मल्टीप्लाइड 3 to the power 3n minus 1 अपॉन 8 × 3 to the power 3n minus 5 × 3 to the power 3 to the power n, सो इक्वल टू 3 × और ये पावर टू द पावर पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 to the power होगा 3n plus 3 प्लस 9 × 3 to the power 3n minus 1 अपॉन 8 × 3 to the power 3n minus 5 × 3 to the power 3n, सो इक्वल टू, और इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3 to the power 3n × 3 to the power 3 प्लस, और इस 9 को लिख सकते हैं 3 square, और ये होगा 3 to the power 3n × 3 to the power minus 1 अपॉन 8 × 3 to the power 3n minus 5 × 3 to the power 3n। यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया है, ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम एन, और यहाँ पे यूज हुआ है ये ए टू द पावर एम प्लस एन इक्वल टू ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन वाली प्रॉपर्टी। और अब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं 3 to the power 3n को ओनली, तो ये होगा 3 × 3³ प्लस 3² × 3 to the power minus 1 अपॉन, और इसके डिनोमीटर्स में कॉमन है 3 to the power 3n, तो ये होगा 8 minus 5, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, सो इक्वल टू, और ये बेस सेम है तो पावर इनका ऐड कर देते हैं, और इसमें भी इसके पावर ऐड होंगे तो ये होगा, और ये 3, सो 3 to the power 4 प्लस 3 to the power 1 अपॉन 3 to the power 4 होता है ये 81 प्लस 3 3, सो इक्वल टू 84 अपॉन 3, और 3 का टेबल से ये 3 × 2 = 6 और 2, सो इक्वल टू 28 आंसर।